أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين سر دیا تو کیا ہوا ان جو رتنا करे तारी काया तणा हरे कटका करे तारी काया तणा तोए अजंपिया जप विना कूड़ा काम रे भाई अजंपिया जप बिना कूड़ा काम हर सिर साटा जो के जिए तोरणी जगाइए आप हर जीवा लगाइए जिक्र सो हर जीवा लगाइए जिक्र सो तो साचा सुरी जना पास रे भाई साचा सुरी जना पास نجات المومنین والمومنات روحانی ماں باپ سرکار نور مولانا شاہ کریم کے پاس اور مبارک نام پر عشق کر محبت سے صلوات پڑھ دیتا ہوں دیندار شکر مولانا حاضر امام کا چار سال کے بعد پھر کینیڈا کی ملاقات لینے کا موقع ملا لوکل طریقہ بورڈ اور نیشنل طریقہ بورڈ और कनाडा के भी शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने मुझे वायस का यहां मौका दिया। मैं यूएसए में था अभी, जब यूएसए में मेरे वायस का प्रोग्राम का नक्की हुआ तय हुआ तो मुझे चेयरमैन साहब ने पूछा क्या है के विषय में वायस करना, और ये रूल है कि अक्सर अलवायसों को पूछा जाता है। मैंने दिल में सोचा कि कौन से विषय पे वायस करूं, सेवा के ऊपर करूं, तो सेवा तो माशाल्लाह ऐसी है सबकी, इसमें भी अमेरिका और कनाडा की जमात की खिदमत जो यहां के यंगस्टर जो सेवा करते हैं, तो मैं इंडिया पाकिस्तान में दाखला देता हूं। मैं नहीं कहता हूं कि इंडिया पाकिस्तान वाले सेवा नहीं करते हैं,
लेकिन आपका जो माहौल जो क्लाइमेट जो आबो हवा के हिसाब से जो यहां के बच्चे यहां की जमात जो सेवा करती है तो वो अजोड़ है। तो सेवा पे भी मैंने सोचा कि इतनी जरूरत नहीं है, दसों के ऊपर तो दसों भी माशाल्लाह अच्छी होगी, ठीक है थोड़ी बहुत कचास हो गए। फंड पारा प्यार मौला का तो एक एक दिल के अंदर भरा हुआ है, तो हर चीज के अंदर तकरीबन हम हजरीबाग के रूहानी बच्चे बराबर हैं। एक चीज की कमजोरी दिखी और वो सुबह के जमा खाने की, वो बैतुल ख्याल की। तो मैंने चेयरमैन साहब से कहा कि आओ लगभग मड़े वायस बंदगी जो विषय थे करण जो विचार करा तो बोले बहुत सारा वायस बहुत है। मुझे कई लोगों ने सवाल भी पूछा है मेरे किंसा साहब की कैसेट आप लोगों ने सबने सुनी है कि मिश्री साहब शू तुम्हें बहु वधारे बंदगी पर वायस करो छो। मेरे हर सब्जेक्ट में मैं दसों के भी वायस करूंगा तो बंदगी आपको दूंगा उसमें, मैं सेवा पे भी वायस करूंगा तो बंदगी आएगी। और कुछ टाइम तो एक दो जने ऐसे भी बोले क्या बंदगी बंदगी करो था तो पची सेवा क्या करना। मैंने खराब नहीं लगाया, ठीक है हर एक के अपने अपने विचार है, लेकिन अगर मैंने बंदगी को इम्पोर्टेंस दिया है अपने वायसों के अंदर तो उसके पीछे कुछ कारण है, उसके पीछे कुछ रीजन है। हम उस रीजन के ऊपर आए, हम मौला के फरमान की रोशनी में इस बात को देखें, हम आज की वायस सुने और फिर फैसला आपके ऊपर है, जजमेंट तमने करवानो छे, निर्णय तमने करवानो छे कि हवे अपनी जिंदगी में आपने बंदगी ने स्थान आपू छे के नहीं। हाँ मौलाना शाह करीम हुसैनी हजर इमाम का एक फरमान सलवातुल्लाह अलैह का मैंने अपनी एक वायस में सुनाया है, सिर्फ पासिंग रेफरेंस में आपको देता हूं। डाका का फरमान सुनाया है जो कि जमात का फरमान नहीं था, वो फरमान हजर इमाम ने तरीका बोर्ड की ऑडियंस में दिया है 1964 5 दिसंबर, मैंने डेट के साथ बताया है। हजर इमाम ने फरमाया तरीका बोर्ड को, वो जमाने में इस्माइल एसोसिएशन नाम था, अभी हम तरीका बोर्ड ही कहेंगे। हजर इमाम ने फरमाया कि कई वस्तु कई प्रैक्टिस अपनी प्रैक्टिस के अंदर जरूरी है, अहमियत है, अपनी प्रैक्टिस में कई चीज की जरूरत है। इट इज नॉट ओनली दुआ, मौला खाली दुआ नहीं, हाँ खाली इमाम नी अने जमात नी सेवा नी, पर याद रखो एक इबादत पर छे जे अपनी प्रैक्टिस में होवी बहुत जरूरी छे, मौला ने फरमाया। और उसके बाद हजर इमाम फरमाते हैं कि अगर तरीका बोर्डना मारा रूहानी बच्चाओ मारो आ संदेशो जो मारा जमात ने पहुंचाड़शे तो अमे समझशू कि तमे मारी एक मोटा में मोटी खिदमत ने सेवा ने अंजाम आप्यो। कौन सा संदेशा? इबादत का संदेश कि खाली दुआ जरूरी नहीं है, खाली सेवा जरूरी नहीं है। हजर इमाम ने फरमाया आपके तरीका बोर्ड को कि जमात को बताओ कि तुम्हारी जिंदगी के अंदर इबादत का भी बहुत इम्पोर्टेंस है दिनदारो, क्योंकि इबादत वो है फाउंडेशन है। मैं आपको बैतुल ख्याल के फरमान नहीं सुनाऊंगा आज, एक आध तो आ जावे तो आ जावे, लेकिन मैं आपके सामने वो फरमान रखता हूं जो हजर इमाम ने बैतुल ख्याल में नहीं फरमाए, जो सरकार सुल्तान मोहम्मद शाह ने बैतुल ख्याल में नहीं फरमाए, हजर इमाम ने और सरकार सुल्तान मोहम्मद शाह ने आम जमात के बीच में ये फरमान किए हैं, जनरल जमात के बीच में। इसी 1964 के अंदर हजर इमाम कराची आए सिंध के टूर के ऊपर थे, ये फरमान का पेज मेरे हाथ में है, डेट लिखी हुई है दिसंबर 1964 22 दिसंबर टंडो मोहम्मद खान। ऊपर लिखा हुआ है कि मौलाना हजर इमामे नवाज जमात खाना नो उद्घाटन करियो, पछी बैतुल ख्याल ना बंगले नो उद्घाटन करवा गया अने उद्घाटन करीने पाछा जमात नी वच्चे आव्या, पेंडोल के अंदर वापस आए ओपनिंग करके। फिर लिखा है मौलाना हजर इमाम फरमाते हैं जनरल जमात में मारा वहाला रूहानी बच्चा हो, हमारी जमात जाने छे के अमे बैतुल ख्याल ने बहु उच्च महत्व आपीए छे, हाई स्टेटस,
मारी जमा जाने छे के अमो बैतुल हयात ने बहुत उच्च महत्व आपे छे, कारण के बैतुल हयात ए अमारी श्रद्धा नो अमारा अकीदा नो अमारा ईमान नो पायो छे। अने आ पाया ने मजबूत बनावो ए इमाम नी मोटा मा मोटी खिदमत अने सेवा छे। सलवार पढ़ाजो आ पाया ने आ फाउंडेशन ने मजबूत बनावो ए इमाम नी मोटा मा मोटी खिदमत छे। बैतुल हयात इबादत हमारी श्रद्धा का, हमारे अकीदे का, हमारे ईमान का पाया है। और हाजिर इमाम के वो रूहानी बच्चे, वो बैतुल ख्याल के पंजे भाई, वो इतने आजम लिए हुए पंजे भाई उस फाउंडेशन को छोड़ के बाकी सब चीज करते। हाजिर इमाम चे तो बड़ा मथो उतारी ने डी दिया, बोला खाली हुक्म करे बस, सिर दिया तो क्या हुआ, जो हृदय न भीना जान। अरे अजम पिया झाप विना बधा कूड़ा काम कटका करे तारी काया करा, तेरे तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर डालना। पीर ने कहा कि अजम पिया झाप विना बधु रद, रद पे नो बदलो तो मरशिया न तो वरी बोलेंगे क्या सेवा ब्याह नहीं कर निकाल सकते, बदला मिलेगा जिंदा। मैंने अक्सर कहा है, आपने मेरी पिछली वायजों में सुना है कि मुर्तजा अली हाजर इमाम का घर ऐसा है कि आप छोटा सा भी काम करोगे ना, छोटा बारीक मामूली, खाली दूध का पैकेट भी मुखी बोलेगा ना उठा के उड़ा रखो, तो हाजर इमाम आपका कर्जदार बन गया, हाजर इमाम आपका कर्जदार बन गया। स्वामी मारो एवो छे के नो न राखे भार, लेकिन वो आपको कर्जा चुकाएगा, आपकी रोजी कमाणी में बरकत, आपके कुटुंब में सुख शांति, आपकी औलाद अच्छी होगी। दिनदारों अगर आप कहो कि मुझे रू जो प्रोग्रेस थी विदाउट इबादत, ये तो मुमकिन नहीं है। मैं अपने तरफ से नहीं कहता। आप चाहते हैं कि आपके ईमान की सलामती रहे। दिनदारों ऐ जमातो तमे एक एवा जगत नी अंदर रहो छो जहां दुख गणो छे अने सुख बहु ओछो छे, जहां दुख गणो छे अने सुख बहु ओछो छे। ऐ जमातो ज्यार थी आ दुनिया पैदा थे छे त्यार थी लेने त्यां सुधी आ दुनिया रहेशे, तकलीफ आफत बला बीमारी मुश्किलियो एनो वर्षा चालू छे, उसकी बारिश चालू है। ये सुनते जाओ, हजर इमाम का भी फरमान ध्यान में रखते जाओ कि बैतुल ख्याल हमारी श्रद्धा नो पायो छे, हमारा अकीदा नो पायो छे। ऐ जमातो जिक्र अने बंगी अने मारा दुआशीष ने छतरी अने रेनकोट तमारी पासे राखशो, वरसाद ने पड़वा दियो। दिनदारो मजाल नहीं है कि हजर इमाम के साथ का तुम्हारा रिश्ता टूटे कभी। हम एक ऐसे खराब जगत में रहते हैं, ऐसे अच्छा दिखता है, लेकिन मोड़ा ने फरमाया दुख गणो अने सुख बहु ओछो छे, कदम कदम और डगले डगले। यहाँ किंसा सा वाले बहुत बैठे हैं, एक बार आए थी हमारे यहाँ अभी गए बरस, इसका हस्बैंड इंडिया का था और अचानक डॉक्टर ने कहा कि इसको अर्जेंट लेके जाओ, लेके आए बच्चे को, वहां छोड़ दिए दो बच्चे को और वहां उसके हस्बैंड की टांग काट डाले। वो बाइक मुझे बोलती है कि दुख जी की हद हुई के ना, दुख जी की हद हुई के ना, लेकिन फिर भी बिचारी बहुत सबरी करी थी। हस्बैंड की टांग काटने में आए और वहां उसकी 15 बरस की लड़की किंसा सा मर गई। देखो दिन दम कैसी हालत हो गई, और 3-4 महीना नहीं हुआ तो उसका खाबीन भी मर गया, खुदा की रहमत पे पहुंच गया। और छोकरा जो है वैंकुवर में अभी मामा के पास है, यानी है ना आ दुनिया एवी छे। और ऐसे मौके पे ऐसे समय पे जब ऐसी क्षण आवे ना जिंदगी के अंदर, उस वक्त इबादत हमको संभालती है। दिन दम उस वक्त इबादत हमको संभालती है कि इबादत ए तमारी श्रद्धानो अकीदानो विश्वासनो पायो छे, अने आ पायाने मजबूत बनावो ए इमामनी मोटामां मोटी खिदमत छे। अभी हम सुनते हैं हाजरी इमाम के फरमान के अंदर इस्लाम के बारे में बहुत बातें होती है ना, हमारे मेन सिलेबस के अंदर हम देखते हैं तरीका बोर्ड का जो बच्चे लोग का धार्मिक सिलेबस है उसमें इस्लाम की कुछ चीजें आ रही है, बराबर है। दिनदारों
लेकिन और इमाम के फरमान की रोशनी में ये हमको रखना है, ये बराबर है। हजरत इमाम जो इस्लाम 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 की बातें करते हैं ना दीनदारों, और हम ये कहते हैं कि हमें आस्ते बदल इस्लामाइजेशन थे जो है, लेकिन एक जगह पर हजरत इमाम ने फरमाया इस्लाम ने जो साक्षरी से समझ वो हो, इस्लाम ने जो साक्षरी से समझ वो हो तो ये बंदगी छे। बंदगी ए इस्लाम ने साची से समझवानी चावी छे। इस्लाम ने साची समझ माटे बंदगी ए बहुत जरूरी छे। इस्लाम ने साची समझ माटे बंदगी ए बहुत जरूरी छे। बंदगी ए इस्लाम ने साची से समझवानी की छे, और हम उसी की को फेंक देते हैं, उसी की को हमने फेंक दिया है। और हमको चलना है इस्लाम के अंदर, जरूर चलना है, लेकिन अगर इस्लाम समझना है, अगर ये समझना है कि कुरान का नज़ुल कैसे हुआ, अरे वो बैतुल ख्याल था कि 23वीं रात को कुरान शरीफ नाज़ुल हुआ, वो बैतुल ख्याल था, वो इबादत थी कि महीनों दिनों जिक्र के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि मशगूल रहे महीनों दिनों, और एक दिन इबादत करते 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 खुदा की रहमत उतरी और कुरान नाजिल हुआ और हुजूर की जबान के मुबारक के अंदर से कुरान निकला। जिंदारो वो इबादत थी, वो बैतुल ख्याल था, वो जिक्र की ताकत थी। इस्लाम का रूट बैतुल ख्याल है, इस्लाम का पाया बैतुल ख्याल है, बंगी है। जिंदारो मेराज को समझना है, रसूल को मेराज हुई, पैगंबर को मेराज हुई, बैतुल ख्याल है, और हम उसी को छोड़ रहे हैं। पता नहीं मुझे यहाँ कैनेडा का 85 में आया जब ठीक था थोड़ा, लेकिन फिर भी जो फिरता हूं मैं सब जमातों में 24 बरस से, कमजोरी है, बहुत कमजोरी है। नहीं नहीं दिनदार, अब हम इमाम के फरमान की रोशनी में और देख हम कितना नुकसान करते हैं। हम अपना नुकसान सिर्फ नहीं करते हैं, लेकिन ये फ्यूचर जनरेशन है ना, मुझे तो लगता है कि पता नहीं उनके दिमाग में भविष्य में बैतुल ख्याल रहेगा कि नहीं। आज की हालत देख के, आज की जो सुबह की हालत देख के, आस्ते 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 उनके दिमाग में से निकल जाएगा कैसी कोई चीज थी। मौला रहम करे, मौला रहम करे। मैं आपको दो किताब बताऊं, तरीका बोर्ड बेचती है अभी, ये यूएसए में, आपके कैनेडा में भी बेचा थी, एक है रूहानी रात, एक है गौहर रहमत। ये बैतुल ख्याल के फरमान नहीं है, ये फरमान जनरल है, जमात के अंदर हुए हैं, जमात के बीच में हुए हैं। हज़रत इमाम ने बैतुल ख्याल वाले को ये फरमान नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी सरकार सुल्तान मोहम्मद शाह ने बैतुल ख्याल की महत्वता, बंदगी का इम्पोर्टेंस बताया जमात के अंदर। अरे इस्माइली मजहब में जन्म लिए ना, बैयत करे ना दीनदारो, हम रूहानियत के अंदर दाखिल हो गए, हम रूहानियत के अंदर दाखिल हो गए। एक लड़का मेरे को पूछता है अगर मोटा काम न हुए तो बंदगी, हमको यस करो, तुम बैतुल ख्याल में नहीं हो तो क्या है, लेकिन आप घर में उठ के करो, बैठो 4 बजे, कोई भी नाम ले लो। कोई बच्चे पूछते हैं कि मोटा काम अच्छी है पर इसमें आजम न थी, मैंने अक्सर कहा है कोई भी एक नाम सेलेक्ट कर लो, छोटा सा नाम सेलेक्ट कर लो कि रटने के अंदर हमको आसानी हो। चलो पहले हम इसके ऊपर आते हैं। मौलाना सरकार सुल्तान मोशा, माफ करना, माफी के साथ एक बात करता हूँ, कई मतलब और कई लोग क्या कहते हैं, अरे यहाँ पर मैं तो बदला आउटडेटेड थे गया, तो बनाओ सुविधा जूना थे गया। सुल्तान मोशा तो बदली डरावाली बात तो करता था, अरे वो डराने की बात नहीं करते थे दीनदार, वो डराने की बात नहीं करते थे। अगर सुल्तान मोहम्मद शाह ने कोई तीखी बात भी अपने फरमान में की है ना, तो उसको दर्द होता था, उसको उसका दिल दुखता था, जमात की हालत देखते तभी वो मुंह से तीखे फरमान करते थे दीनदारों, तभी मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह दर्द भरे फरमान करते थे जो इस किताब के अंदर आए हैं। शुक्र है मौला का कि हम कुरान को पुराना नहीं कहते, शुक्र है, इसको तो अभी 100 साल हुए हैं, कुरान पाक तो 1400 साल हुए हैं ना, शुक्र है दीनदारों। इतनी शनाख्त याली बापा ने हमारे पास रखी है। मौलाना सरकार सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया आखी जमात पर लाजम अने वाजब छे के बंदगी करे, आखी जमात पर लाजम अने वाजब छे के बंदगी करे। अल्लाह है
આ દુનિયા ખાઈ પી અને સુઈ રહેવા માટે નથી બનાવી, પણ ઇબાદત માટે બનાવી છે. અલ્લાહે આ દુનિયા ખાઈ પી અને સુઈ રહેવા માટે નથી બનાવી, પણ ઇબાદત માટે બનાવી છે. યા દુઆ કા ઝિકરની, યા ઇબાદત કા ઝિકર. ચલો આગે. બંદગી ન કરો તો શું ફાયદો? બંદગી ન કરો તો શું ફાયદો? અરે એવા માણસો દુનિયા ઉપર હોય તો એ શું, અને ન હોય તો એ શું? હદ હોગી, હદ હોગી. અગર બાબુલ કી જિંદગી મેં સેવા હૈ, બાબુલ કી જિંદગી મેં દસવન હૈ, બાબુલ હાજર ઇમામ કો પ્યાર કરતા હૈ, લેકિન અગર મેરી જિંદગી મેં બંદગી નહીં હૈ તો સરકાર ને ફરમાયા અરે તેરી જિંદગી એ દુનિયા કે ઉપર બેકાર હૈ, નકામી. મેં નહીં બોલતા, પકડના હોય તો ઉસકો પકડો. આવા માણસો હોય તો એ શું, અને ન હોય તો એ શું? એક તરફ આખી દુનિયાનો માલ અને એક તરફ ઇબાદત. અરે ઇબાદતનું એટલું છબરું વજન છે, ખુદ મુર્તઝા અલી ખુદાવંદ હાજર ઇમામ અરે મુખ મુબારક સે ફરમાતા હૈ કે હે મેરે બચ્ચો, એક તરફ દુનિયા કો રખ દો ઓર એક તરફ ઇબાદત કો રખ દો. એટલું ઇબાદતનું જબરું વજન છે, ફિર ભી એક રૂહાની બચ્ચા એક બેતુલ ખ્યાલ વાળા જાન બુજ કે યા લેટ ગો કરકે હવે સમજ્યા કરશું પછી કરશું, બે દરકારી કે અંદર ઓ લાપરવાહી કરતા હૈ, બહુત નુકસાન ઉઠાતા હૈ. મેં ઉન લોગો કે લિયે નહીં કહેતા જો ઘર પે ભી કરતે હૈ, બહુ એસે જો સુબહ જવાન ખાને નહીં આતે લેકિન ઘર પે ઉઠતે હૈ, 15 મિનિટ ભી ઉઠતે હૈ, 20 મિનિટ ભી ઉઠતે હૈ, 4:45 બજે ભી ઉઠતે હૈ, જવાન ખાને નહીં પહોંચતે ઘર મેં જિક્ર કરતે હૈ. એસે લોગો કે લિયે બાત નહીં હૈ, વૈસે લોગો કે લિયે ભી નહીં હૈ કે જો લાચારી નહીં પહોંચ સકતે હૈ શામ કો જમાત ખાને, લેકિન એસે દિનદાર ક્યારે કાંઈ વાંધો નથી, સેવા બહુ કરી છે ને મારો રૂ મોડા તારી લેશે, કાંઈ વાંધો નથી, ફાળો બહુ મોટો આપ્યો છે ને મોડા રૂ ને તારી લેશે. ના ના, મેં નહીં બોલતા. ઇબાદત કે ચેપ્ટર મેં દેખના, પહેલા પહેલા ફરમાન, ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ બંદગીજ. ખાલી બંદગી નહીં, બંદગીજ મીન્સ ઇંગ્લિશ મેં ઓનલી ઇબાદત. બંદગીજ એવું એક માધ્યમ છે જે વડે તમારો રૂ ઉચ્ચ ગતિએ જઈ શકે છે, ઓર કોઈ ચીજ નહીં, ફક્ત બંદગીજ એક એવું મીડિયા છે જે વડે તમારો રૂ ઉચ્ચ ગતિએ જઈ શકે છે. હાજરીમાન કે ફરમાન મેં દેખે, બૈતુલ ખયાલ ઇઝ અ વે ફોર માય સ્પિરિચ્યુઅલ ચિલ્ડ્રન, બૈતુલ ખયાલ ઇઝ અ વે ફોર માય સ્પિરિચ્યુઅલ ચિલ્ડ્રન ટુ ઇમ્પ્રુવ ધેર સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફ. ધોઝ હુ ફરગેટ ધીસ બેઝિક ફેક્ટ દે આર કમિટિંગ અ વેરી ગ્રેટ મિસ્ટેક. ધોઝ હુ ફરગેટ ધીસ બેઝિક ફેક્ટ દે આર કમિટિંગ અ વેરી ગ્રેટ મિસ્ટેક, એન્ડ દેટ ઇઝ વાય આઈ એમ્ફસાઇઝ દેટ યુ મસ્ટ સ્પેન્ડ સમ ટાઈમ to prepare life hereafter. થોડો ટાઈમ તમારી જિંદગીમાંથી આપો બીજી દુનિયાની તૈયારી માટે, રૂહાની દુનિયાની તૈયારી માટે, આખરતની તૈયારી માટે. દિનદારો પતા અભી નહીં ચલેગા, એક ફરમાન ભી હિન્દી હૈ મેરે હાથ મેં છે, સુલતાન ઓશા કા હૈ. એટલું બધું અમે ફરમાવીએ છીએ તમને, તમે ધ્યાન નથી આપતા ને, ક્યાં કહેતે હૈ, એટલું બધું અમે ફરમાવીએ છીએ તમે ધ્યાન નથી આપતા ને, મારા રૂહાનિયતના ફરમાન તરફ ધ્યાન નથી આપતા ને. પણ યાદ રાખજો, જયારે મોતનો ટાઈમ આવશે એ વખતે અમોએ જે રૂહાનિયતના ફરમાનો કર્યા હતા ને એનો ફાયદો તમને એ વખતે ખબર પડશે. એ વખતે અમારા ફરમાન કેટલા કિંમતી હતા એ વખતે તમને સમજ પડશે. પણ એ વખતે તમારા હાથમાંથી ટાઈમ ચાલ્યો ગયો હશે. દેખો એક પરફોર્મ કી કિતાબ બતાતા હું, ગુજરાતી મેં હૈ, ઇંગ્લિશ મેં આપકો મેરે કામ સે તો તલાશ કરો, અભી તક મેરે હાથ મેં નહીં આયે. ઇંગ્લિશ મેં નામ હૈ ઇનર વોઇસ, લિખને વાલા અંગ્રેજ હૈ, ઇનર વોઇસ. લેખક કા નામ હૈ ડબ્લ્યુ સેન્ડર્સ. તકરીબન 20-25 ભાષા મેં ઇસકા તર્જુમા હુઆ હૈ, ગુજરાતી મેં, હિન્દી મેં, ઉર્દુ મેં વગેરા. ગુજરાતી મેં હૈ અંતરનો અવાજ. ફર્સ્ટ ટાઈમ યે બુક પડી તો એસા લગા કે થોડી અપની ઇસ્માઇલિઝમ કી બાતે લગી ઇસમેં. ये लेखक लिखता है कि आ दुनिया पर साचा धर्मगुरु, साचा मुर्शिद कामिल मौजूद छे. आ दुनिया पर साचा धर्मगुरु, साचा मुर्शिद कामिल मौजूद छे. ए साचा धर्मगुरु
પોતાના મુરીદોને પોતાના શિષ્યોને ફોલોવર્સને ખાલી વર્લ્ડલી ગાઈડન્સ નથી આપતા, દુનિયાવી દોરવણી નથી આપતા, પણ એ ધર્મગુરુ ડિવાઇન રૂપે ગુજરાતીમાં લખાય નુરાની સ્વરૂપે પોતાના મુરીદોના દિલમાં રહે છે. એ ધર્મગુરુ નુરાની સ્વરૂપે પોતાના મુરીદોના દિલમાં રહે છે. ફિર આગે લખતા હૈ કે જ્યારે મુરીદ ધ્યાનમાં બેસે છે ને બંદગીમાં બેસે છે ત્યારે પોતાના ઋણને બહાર કાઢે છે. એ વખતે સાચા ધર્મગુરુ એની સાથે હોય છે. જયારે એનો આત્મા રૂહાની જગતમાં જાય છે ને એ વખતે સાચા મુર્શિદ એની સાથે હોય છે. ફિર લખતા હૈ જયારે એ મુરીદનો મરણનો ટાઈમ આવે છે ને મોતનો ટાઈમ, એ વખતે એ મુર્શિદ એ સાચા ધર્મગુરુ પોતાના શિષ્યની સામે પાસે હાજર હોય છે અને એના આત્માને પોતાની સાથે એ લઈ જાય છે. અને જે દિવ્ય પરમાત્મા છે, જે યુનિવર્સલ સોલ છે, એની અંદર એના આત્માને એક કરી દે છે. કોણ? સાચા ધર્મગુરુ એની અંદર એના આત્માને એક કરી દે છે. આ બધી રમતો કેવી રીતે થાય છે? નુરાની સ્વરૂપે કેવી રીતે દિલમાં રહે છે? રૂહાની જગતમાં કેવી રીતે સાથે આવે છે? મરણ વખતે કેવી રીતે પાસે હોય છે? તો લખતા હૈ કે સાચા ધર્મગુરુ પોતાના મુરીદોને એક નામ આપે છે. એને અરબિકમાં ઇસ્મે આઝમ કહેવામાં આવે છે, ગુજરાતીમાં ગુરુ મંત્ર કહેવામાં આવે છે, જાપ કહેવામાં આવે છે, અજંપ્યા જાપ પણ કહેવામાં આવે છે. એ જાપની રમતથી આ બધું થાય છે. હમારી લઈ નવી બાત હૈ? આપને સુનાવો હો મેરે કો કુછ નહીં હુઆ. ક્યો નહીં હુઆ? કે સુલતાન મુશા કે ફરમાન મેં દેખો, આપ સુલતાન મુશા કે ફરમાન કા અભ્યાસ કરો, આખી જિંદગી મુર્તઝા અલીને યાદ કરશો અને છેલ્લા દમ સુધી જિક્ર કરશો તો મુર્તઝા અલી પોતાનો હાથ આપી અને તમને ઉપાડી દેશે. મા આપને ફરમાયા ને કે મારા ફરમાનની ખબર હમણાં નથી પડતી, નથી સમજતા ને, પણ જયારે મોતનો ટાઈમ આવશે ને, દેખો એ આપના ફિઝિકલ શરીર બરાબર, સ્થૂળ શરીર ગુજરાતી મેં આપણ બોલે, ઓર ઇસકે અંદર એક સૂક્ષ્મ શરીર હૈ, ઉર્દુ મેં કહેંગે જિસમે લતીફ. હા, જબ મરણ કા ટાઈમ આતા હૈ ના, ઓર આખી જિંદગી અગર મેં જો તૈયારી કી હૈ ના, છેલ્લા દમ સુધી જિક્ર કરશો, આખી જિંદગી મુર્તઝાલીને યાદ કરશો, તો મરહુમ હૈ ના વો અનુભવ કરતા હૈ. ક્યાં અનુભવ કરતા હૈ? કે મુર્તઝાલી હાજર ઇમામ ઉસકે પાસ મેં હૈ ઓર વો અપના જિક્ર ચાલુ રહેતા હૈ. ઓર સૂક્ષ્મ શરીર જો હૈ ના અપને અંદર જો નુરાની શરીર હૈ ના ઉસકો વો હાથ દેતા હૈ ઓર કહેતા હૈ કે ચલ અભી ટાઈમ હો ગયા હૈ, નિકલ યે પિંજરે મેં સે બહાર નિકલ, બહુત બરસ રહા હૈ તો 50 બરસ, 60 બરસ, 70 બરસ, ચલ આસ્તે આસ્તે મેરા નામ લેતે જા, મેં તેરા હાથ પકડતા હું ઓર બહાર નિકલ યે ખોડીએ કે અંદર સે, ચલ મેં તેરે કો લેકે જાઉં. કા લેકે જાઉં? હાજર ઇમામ ને ફરમાયા ઇન્ના લિલ્લાહે ઇન્ના ઇલૈહી રાજીઉન, અલ્લાહ માંથી આવ્યા અને એ અલ્લાહ ની અંદર પાછા સમાઈ ગયા. બીબી ઇમામ બેગમ ને કહા કે તે દિન સ્વામી મને પાસ તેડાવજો અને પકડી લેજો મારો હાથ. થયા? કોનો હાથ પકડશે? છેલ્લા દમ સુધી જિક્ર કરશો મુર્તઝાલી પોતાનો હાથ આપી અને તમને ઉપાડી દેશે. મોલાના હાજર ઇમામ અભી ફેબ્રુઆરીમાં ઇન્ડિયા મેં થી 5 તારીખ કો બોમ્બે મેં દીદાર થે, 5 ફેબ્રુઆરી કો હસનાબાદ કે અંદર એક ઓલ્ડ લેડી બીમાર લેડી કો ભી લેકે આયે, વ્હીલચેર કે ઉપર આયે વો. 8 તારીખ કો નેશનલ કાઉન્સિલ કે તરફ સે પ્રેસિડેન્ટ સાહેબ કે તરફ સે પર્સનલ અપના 50-60 આદમી કા લંચ થા, વો બુઢી બા કો ઉસમે ભી શામિલ કરને આયે લંચ કે અંદર. વો આઈ કુર્સી પે બેઠી થી, હાજરી મામ જબ પ્રોગ્રામ પૂરા કર લે, ખાના વગેરા સબ ખા લીએ, સબ પ્રોગ્રામ હો ગયા, બહાર નિકલને કે ટાઈમ પે મોલાના હાજર ઇમામ ઉસ માં કે પાસ આયે, વો ખડે હોને કે તો બાપા ને બિઠા દિયા, દો હાથ કરકે માં બિઠા દી, વો પર્સ ખોલી અપની અંદર સે ચેન નિકાલી સોને કી, હાજર ઇમામ કે હાથ મેં દી. ક્યા બાત કરે પતા નહીં, હાજર ઇમામ ઉસકે સાથ બાત કરે કુછ, સબ દૂર ખડે થે, ઉસકી બેટી ભી દૂર ખડી થી, લડકી ભી દૂર ખડી થી, દ્વારશીષ દે ચલે ગયે. બરાબર 21 દિન કે બાદ એ ભાઈ ખુદા કી રહેમત પે પહોંચી, બીમાર થી પહેલે થી ભી, બહુ સારી બીમારી હતી. ઉસકી લડકી હમારી નેશનલ તરીકા બોર્ડ કી સેક્રેટરી હૈ અભી ભી. મને બોલતી હે બાબુલ આમ એટલે આકે નહીં છોડી કે મુજી માં ભી, પણ બોલે કે જે વાંચો તા ને ફરમાન છે અંદર કે ધર્મ પાકે આખરત મેં કમ છે તો
हम सुनते हैं, बोले हमेशा, बोले मैंने महसूस किया मेरी माँ के मरण के टाइम पे, बोले मिशनरी इतनी पीड़ा उसको, इतनी तकलीफ, अपने को लगे कि इसको बहुत तकलीफ हो रही है। बोले हम लोग पूछे ने मामा के बहुत तकलीफ थी तो ना बेटा, शुक्र है मौला जो शुक्र है। मामा ऐसा नारी रहा क्या कि कितनी पीड़ा थी रही है तो क्या? बोले पता है, अरे आई लोग के ना खबर, ये तो देह जा दान देवाई रहा है। क्या बोलती है? ये तो शरीर की खैरात है, आ तो देही ना दान अपाई से। बेटा ये तो काया जी दसो लपाई रही है, आके समझ ना से पाए। काया जी दसो लपाई लिए, आके समझ ना से पाए। मुझे बाहर जी पीड़ा ना रो, हाँ अंदर वो सुखर में है, सुखर मोला जो। और बोले जब रू निकलने का टाइम आया तो उसकी बेटी बोली कि बाबू लसा के जरा अंदाज अच्छी रहो, तरह न्याज पीरे जो शुरू कह रहे न्याज पीरा लिए, वो जरा बेहोशी में थोड़ी चले गई कोमा जैसे इसके अंदर। मुझे कहते मिश्री साहब जा मम्मी जा बोठा नहीं फफड़ ना वा कृपा के लगे कि आवाज अच्छी जो है। बोले आवे ने कण गिनी हुई माजे मोटे तो बोले कि आवाज सुनो, या अली या मोहम्मद या रहमान या रहीम, या अली या मोहम्मद या रहमान या रहीम, या अली या मोहम्मद। मिश्री साहब बस वो आवाज चालू था, वो तस्वीर चालू थी, कभी रू निकल गया मालूम नहीं पड़ी। दस मिनट के अंदर छिल्ला दम सुधी जिक्र करशो, मुर्तजाली ने याद करशो, मुर्तजाली हाजर इमाम पोतानो हाथ आपी ने तमने उपाड़ी देशे धर्मी, कारण अमे आविया अने जोवा ए सत्ता पांथी जीवा। धर्मी कारण अमे आविया जोवा सतपंथी जीव। पांच तारीख को एक और भी बनाव बना, 5 फरवरी को दीदार भी था, हस्तमिलाप भी था, मेरा एक स्टूडेंट भी और दोस्त भी। स्टूडेंट जितना तालुकात नहीं है, दोस्ती का तालुक है, मेरे से उम्र में बहुत छोटा है, कि रिश्तेदार यहाँ टोरंटो के अंदर है, शायद यहाँ भी होंगे। वो लड़का आर्किटेक्ट है, एक दिन मुझे कहता है पुरानी पास की थोड़ी बात बोलो कि मिश्री साहब बाबू लकड़ो कम है मतलब करो। बोले हाँ मैरिज कर रहा है मंगल, सारी बात है करो, खराब बात है मैरिज तो करना ही कपे। तो बोले पर ईश्वासरी छोकरी है, ईश्वासरी बोला तो मेरे को जरा शौक लगा, झटका लगा। वो भाई भाई कोई शुक्री नहीं मिलनी तो कह तो मेरे बोलता है ना ऐसा अफेयर है। अच्छा कितने साल से? तो बोले लगभग 2.5 वर्ष थे ऐसा जो लव भले तो जो मन कबूल करे तो चुस्त फैमिली है, एकदम पक्की स्टोन से फैमिली। तो जो मन कबूल करे तो मेरे को बोलता है आई जर्मनी ना दी, पहले जो इंटरव्यू दिन अभी सगाई नहीं हुई, दोनों साथ में काम करते, वो लड़की भी आके देखे। तो एक दिन मेरे ऑफिस पे बुलाया, वो लड़की को बिठाया सामने, मिश्री साहब आओ मुड़ी दे रूम में बिना आई जैसा बात करो। तो मैं बोला कि बेटा हाजरी मांग को भी शांति हो, जानती हो
तो क्या बोलती है पता है? सी हाँ, आई एम नॉट प्लेइंग विथ योर इमोशन, जो फैक्ट है। अरे आजीमान को जानती हो? बोलता है मिश्री साहब, मेरे को तुम्हारे बारे में बहुत बताया है मेरे, बोला भी तुम चांस नहीं बोल सकती मैं, लेकिन मुझे बहुत बताया है आपके बारे में। मिश्री साहब, मैं हाजरीमाम को सिर्फ जानती नहीं हूं, पहचानती नहीं हूं, आप सच मानो मैं हाजरीमाम को बहुत प्यार करती हूं। और ऐसा बोल के ना डर 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 आंख में जान से निकलने, मेरे को बोला था कि खाली हरी बाबा जी नाम की ना नहीं हुई पड़ी। मुझे बोला कल भाई जब हमारी फ्रेंडशिप हुई ना, तो पहली शर्त मैंने रखी कि भेज फ्रेंडशिप आगे बढ़ानी तो एक शर्त है, तू इश्नासी में इसमें तेरे को इस्माइली धर्म में आना पड़ेगा, हमारा पूरा तरीका अपनाना पड़ेगा, और आना भी ऐसा कच्चा पक्का नहीं, तो बहुत आते फिर चले लेदार फिर जमात खाना क्या क्या किया, तुम्हें कच्चा पक्का नहीं, तेरे को स्टोन छोड़ना पड़ेगा। तो बोले ठीक है, तू मेरे को बता क्या है इस्माइली फिर का क्या है, लड़का एचआरसी वगैरह सब कर रहे, रिलीजियस कोर्स कर रहे। मेरे को बोला मिश्री साहब अमन के दुआ सिखाड़ियो, विद इन टू एंड हाफ ईयर दुआ सिखाड़ियो से, ये पोते भी कमाई नहीं भी, इनके हम दसून निकाल रहे सिखाड़ियों से, तो उसकी दसून का पैसा बाद रूपये निकाल रखती थी। मिश्री साहब उनके मेन चीज सिखाड़ियों से सुबह 4 बजे उठेंगे, इनके हम पीरशाह जो नाम लिखी दे कि तू पौने 4 बजे उठ और ये नाम है इसका रटर कर, बहुत मजा आएगी तेरे को। मिश्री साहब 2 साल से प्रैक्टिस उसके चालू है। जब लड़की ने इस बात करी, मैंने वो लड़के को कहा बेटा बिस्मिल्लाह कर, जब तेरे पापा भी आते थे तेरी खबर में एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन मंजूर हो गई। 4 फरवरी को सुबह को इसकी बैयत हुई लड़की की, 4 फरवरी को वो जाहिरी रीत से इस्माइली बनी, शाम को रिसेप्शन है शादी है। मैं जब मुबारक की देने गया तो मुझे कहता है कि मिश्री अपने योग कम है, प्रॉब्लम है, पूरा प्रॉब्लम है भाई। तो बोले इनके बैतूल ख्याल में दाखिल थी, अरे अजी तो काले तो इस्माइली बनी है सवारी बैतूल ख्याल में, 3 वर्ष सुधी ना पन रूल है बंधारण में, बोले कोई चांस नहीं, अपना चांस है काली तो हस्त विधान कर लेकिन उन्होंने तो हिम्मत होते यारे बाबा की बात कर। और शाम को अंधेरी के अंदर दीदार था, सुबह को हसनाबाद में था, मेरी ड्यूटी अंधेरी थी, मैं तो नीचे बैठा था, स्टेज ऊपर था, लाइन चली हस्त मिला थी, जिसका वारा आया 7-8 मिनट बाद किया, जैसा नीचे उतरा ना दूसरे दादर से तो मैं फिर के बागा पकड़ा जो पूरा थे पूर्व बात के लोग तो उन्हें अकड़ी जवा हाजिमान कच्चे होते शी वॉन्ट्स टू एडमिट पेट्रोल खाया काली इस्माइली बनी है। बोले हाजिमान को कल खुदा भी तेरी रूहानी बच्ची जाहिर में बैयत कल कर ली। हाजिमान खुश हुए, नेशनल तरीका के नेशनल प्रेसिडेंट को बुलाया काउंसिल के, हाजिमान फरमाए ये रूहानी बेटी को अभी इसी मोमेंट पे बैतूल ख्याल में एडमिट करता हूं। बोला नाजिमान फरमाए और फिर क्या फरमाए कि कल 6 तारीख को दरखाना में बैतूल ख्याल का इसमें आजम का प्रोग्राम है ना, इसको मैं अलाउट करता हूं कि बोल लेने को आ रही। और 6 तारीख को लड़की आई थी बोल लेने को, अभी करती है 4 बजे आती है, कभी 4:45 बजे आती है, कभी 4:15 बजे, कभी 4:30 बजे। मुझे लगता है दूसरी प्रोग्रामी है फेब्रुआरी मार्च में शायद, तो ये प्रमोशन के लिए भी आ जाएगी। धर्मी कारण हमें आबिया अने जोवा ए सता पंथी जीवा हर जे सतपंथी साचा ईमान सो जे अमारा साचा मीता दे जे सतपंथी साचा ईमान सो। ये किताब अभी बताए ने रूहानी दास की, इसमें फरमान है के इबादत चालू राखी ए ईमान नी निशानी छे। उसी लाइन के अंदर एक कपल ने वो भी 8-15 दिन पहले इस्माइली बना था, लड़का था, उसकी वाइफ ने भी कहा कि बैतूल ख्याल नाजरीमान ने कहा ओके फिर से आप चौक मोड़ा हम बात ये देखते हैं देखेंगे अभी थोड़ा चलने दो पहले प्रैक्टिस कर दो फिर देखेंगे। धर्मी कारण हमें आ गया जुआ सतपंथी जीव सतपंथी साचा ईमान सु ते हमारा उत्तम साचा मीत रे। एक और फरमान रूहानी रात का 5 फरमान ढूंढ के निकाल जो बंदगी करशो तो तुम्हारा दिल नी अंदर अल्लाह नो नूर रोशन थशे। उठती थी 4 बजे मैंने नहीं बनी थी तिरशा 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 तो हकीकी रोशनी हकीकी समझ
और बोले ने कि हजरी माम के खाली जान नहीं पर बहुत प्यार करा दी और नाम आवे तो रो पड़ी। जो बंदी करशो तो अल्लाह नो नूर तमारा दिल नी अंदर रोशन थशे अने बदीना बधा काम तूटता जशे। बदी गुना, बदी खराब काम जिसको बदी कहते, बद काम तूटता जशे, तूटता जशे। बहुत बच्चे आते हैं ना, वो विचार वो खराब खराब विचार आए, खराब रस्ता पर जवानों मन थे, बहुत बिचारे यंगस्टर्स आते हैं, बहुत कंट्रोल करो छो, दारू पीवा बहु मन थे, सिगरेट पीवा बहु मन थे, गुनाह करवा बहु मन थे। मन होता है आपको, आपको गुनाह करने का दिल होता है? ईमान ने कहा भक्ति करो बदीना काम टूटता जैसे। इसी टूर के अंदर एक बच्चा मेरे को मिला अभी आठ दिन पहले मेरे को राइड दिया था, अच्छा तालुका दो बेचारा बोलता है आप, मैं बोला क्या क्या करता है क्या नहीं, अच्छा फ्रेंडली जैसा हो गया। मेरे को कहता है निश्चित है इनका फलाना फलाना काम करता है, बोले हाँ अभी दिल ताकता नहीं है तेरे को, बोले नहीं आने से गुनाह करने की आदत की हुई है। सच सच कहता हूँ, देखो सुल्तान उषा का फरमान, अगर जो बंकी नहीं करो गुना ना काम माना दूध जेवा तमने मीठा लागसे, तमारू मन तमने डंक से नहीं, गुना के काम तुमको मिठे लगेंगे, माँ के दूध के जैसे मिठे लगेंगे। फिर बहुत समझाया तो रियलाइज हुआ, मेरे बोला हमें रोज सवाल जो न्यास पीनो दुआ पढ़ना कोशिश करो सवाल उठन जी, बदी ना काम तूटता जैसे अल्लाह नूर रोशन थे, पर अगर बंदी नहीं करो मारा रूहानी बच्चा हो तुम्हारी दीन अने दुनिया बनने बर्बाद जैसे। मैंने कहा ना उसने ये तीखे अल्फाज क्यों कहे, उसको दर्द हुआ दिल के अंदर कि मैंने इतना उनको दिया है, इतना लुटाया है, आखी दुनिया में कोई पासे नहीं। एवी बंदी एवं नाम हमें तमने अर्पण करियो छे, किसके भी पास नहीं है, भले कितने भी फिरके इबादत करते हुए सुबह, कोई भी कम्युनिटी वाले इबादत करते हुए कोई भी नाम से, लेकिन इमाम ने कहा जो तुम्हारे पास है बल्ला वो किसके भी पास नहीं। आखी दुनिया नी अंदर तुम्हारी पास जो बंदी से, तुम्हारी पास जो नाम से, ये कोई नहीं पास है। तो जो भी इतना हमने सुना थोड़ा विचार करो गंभीरता से, और जो सुबह की रहमत है ना, बहादुर राजानी की वॉयस तो आपने बहुत सुनी है वॉयस, जो सुबह की रहमत है, एक और रेफरेंस देता हूं नॉन इस्माइली का पर कौन का, हाँ गुजराती पेपर का है, कटिंग मैंने काट के चिपकाया है, हेडिंग दिया है प्रभात मां अमृत वर्षा थकी रहे छे, अमृत यानी नूर, प्रभात मां अमृत वर्षा थकी रहे छे। इसका न्यूज़पेपर की डेट है 14 अगस्त 1988, बम्बई का पेपर है, पेपर का नाम है वीकली है, संडे को संदेश वीकली। देखो क्या लिखता है, अल्लाह नी कृपा विना अल्लाह ने चाही शका तो नथी, अल्लाह नी कृपा विना अल्लाह ने चाही शका तो नथी, जे व्यक्ति सवारना ब्रह्म मुहूर्त में 4 થી 5 વાગ્યાના સમયનો ખુદાને યાદ કરવામાં ઉપયોગ કરે છે એ વ્યક્તિ ધન્ય ધન્ય અને ધન્ય બની જાય છે। રાતના 3 વાગે હવામાં ચેન્જીસ આવે છે, પલટો આવે છે અને એન્વાયરમેન્ટ વાતાવરણ દિવ્ય બની જાય છે, નુરાની બની જાય છે। સવારના 4 થી 5 આસમાનમાંથી હલકી હલકી ઝીણી ઝીણી અમૃતનો વરસાદ શરૂ થાય છે। ફિર લિખતા હૈ સાચો ખુદાનો બંદો 4 વાગ્યા પહેલા ઉઠી જશે, હાથ મોઢું ધોઈ ઓગળા કરી અને પોતાના ખુદાના ધ્યાનની અંદર એ બેસી જશે। રાતના 11 થી લઈને 3 વાગ્યા સુધીનો જે ટાઈમ છે એ ભૂત પ્રેત લોકોનો ટાઈમ છે, એ ચોર ડાકુ લોકોનો ટાઈમ છે, એ ભોગ વિલાસ કરનારાઓનો ટાઈમ છે। અભી એ એક જગા પે મેને પઢા ના તો ફિર મેં ખુલાસા કરના શરૂ કર દિયા વાયદ મેં, તો મેરે કો બોલતા હૈ કે મેં એસા રાત જો જોબ કરું તો પૂરા સા ચોર ડાકુ હૈ, તો યે બાત નહીં હૈ યુ નો, પણ પતા ના ઉસને મજાક મેં ભી કહા હુએ, મગર યે લિખતા હૈ કે રાતના 11 થી 3 નો જે ટાઈમ છે એ ભૂત પ્રેત લોકોનો ટાઈમ છે, એ ચોર ડાકુઓનો ટાઈમ છે, એ ભોગ વિલાસ કરનારાઓનો ટાઈમ છે। 3 વાગ્યા પછી
वातावरण चेन्ज थाय छे अने चार नो जारे टाइम आवे छे तो चार थी पांच अथवा चार थी छ ए समय दरमियान जे व्यक्ति खुदाना ध्यान में होय छे ने ए व्यक्ति ऊपर खुदानी असीम कृपा अने रहमत नाजल थाय छे। खुदानी असीम कृपा अने रहमत नाजल थाय छे ए व्यक्ति बहु नसीबदार होय छे, बहु नसीबदार होय छे, बहु नसीब। कौन सी व्यक्ति? जो चार से पांच या चार से छह के दरमियान में बैठते हैं। पर खुदानी कृपा बिना, खुदानी कृपा बिना सवारे चार वगे उठीने खुदा में बनी शकातु नहीं। जिसके ऊपर खुदा की, तो शुक्र करो जो घर में भी उठते हैं ना और जमात खाने आते हैं ना, आप समझ लेना कि खुदा की नजर में है आप अल्लाह के रहमत के अंदर आ गए हैं। सर मैंने बोलता गिनान के अंदर भी और ए भाई ने भी बोला, फिर आखिर में क्या बोलता है पता है कि मारी आ बात एवं लोगों माटे नहीं जेने बे पगवाड़ा जनावर ना जीवी जिंदगी जीवी छे, एवं लोगों माटे मारी आ बात नहीं। ये सुबह को उठे छह बजे दौड़े जॉब पे या अपने सर्विस पे या बिजनेस पे, सैंडविच खाए ना खाए, ब्रेकफास्ट किए ना किए, दोपहर को थोड़ा खाना खाए ना खाए, ये शाम को आए गदा मजूरी करके जरूरी भी है। हाँ फिर आज जब थकी गया छे आज खाने में काले जसू जोशो बराबर है। हाँ फिर वाली रात को सो गए, वापस उठे थोड़ा टीवी वीवी देखे, ये चलता रहा। फिर शुक्रवार आया तो जरा जमा खाना आटा मान किया दिनदारो। हाँ और टाइम आया यानी बापा का बुलावा आ गया और चले गए। ये जिंदगी है, ये जिंदगी है। तमे कहो छो कि अमे मोमन छिए, तमे कहो छो नर तुम्हारे अंदर ज्यादा है, हम ऐसे नहीं है दिनदार, हम ऐसे नहीं। हाँ ये तो थोड़ा कभी काट चढ़ जावे, लेकिन हाजरी माम के रूहानी बच्चे ऐसे नहीं है, बैतुल ख्याल वाले ऐसे नहीं है। हाँ ये फरमान गिनान बायत सुन के थोड़ा काट उतर जाता है। फिर आखिरी में ये बोलता है कि अगर रात्रि चार वगे उठू हुए ने तो नौ वगे सुवानी तमने तैयारी रखनी जोइए, दृढ़ मनोबल करो अने रात्रि नौ वगे सुई जाओ, तमे चार वगे उठी सकसो। अने मैं जे अमृत वर्षा की बात करी छे ने तमने खोटी लगती हुए ने तमे पोते उठो अने अनुभव करो कि जो आसमान माथी केवी अमृत वर्षा खुदावन तारा तरफ थी थाय छे। अब ये हमारे लिए नई बात है कि ना नहीं? ए जी सरग थी अमीना कंचो लालेने हूं तो आपी रे मर दो, अरे आगळ आवूं त्यारे ए कोईने न पावूं, आगळ आवूं तो कोईने न पावूं। अमी के नूर के अमृत के कंचोले प्याले लेके ने आए, हाँ तो क्यों हम गवाते अपने हाथ में से, क्यों गवाते हैं? आखिरी में एक फरमान मौला ने शेयर करे मुड़ो से हाजिर इमाम का मुबारक नाम पे सलवात पढ़ो। अमे दुआ करिए छे ए रूहानी बच्चाओ माटे जे लोको रोज दुआ पड़े छे, रोज बंदगी करे छे, सबके लिए दुआ नहीं, मैं नहीं बोलता, सेंटेंस पे गौर करो। अमे दुआ करिए छे ए रूहानी बच्चाओ माटे जे लोको रोज दुआ पड़े छे, जे लोको रोज बंदगी करे छे। मारी दुआ छे के तेओने रूहानी खुशी अने ताकत मळे अने आवती जिंदगी माटे ए लोको तैयारी करी शके अने मटेरियलिज्म थी ए लोको बची शके, भौतिकवाद थी ए लोको बची शके। फिर फरमाते हैं जो तमे रोज बंदगी करशो, जो तमे नियमित दुआ पढ़शो तो वर्ल्डली प्रॉब्लम दुनियावी कोयडाओ जेवा के दुनियावी बीमारी वर्ल्डली इलनेस, फिजिकल बीमारी जिस्मानी बीमारी तकलीफ एनो सामनो करवा माटेनी तमारी अंदर एक कुवत अने अजब शक्ति आवशे, कुवत अने अजब शक्ति आवशे अने तमने खराबीओथी पण बचाववामां आवशे, तमने खराबीओथी पण बचाववामां आवशे। देखो सुल्तान मूसा के राजे मां के फरमान तमने खराबीओथी पण बचाववामां आवशे अने सर्वथी वधीने
જ્યારે આ ફાની દુનિયા છોડવાનો ટાઈમ આવશે તો નૂરથી તમે ભરપૂર હશો અને આ ફાની દુનિયાને તમે આસ્તે આસ્તે મૂકી દેશો. સલવાન તમારી અંદર કુવત આવશે, શક્તિ આવશે. છેલ્લે એક વાત બતાવું, લાસ્ટ યર કી, બે વર્ષ કી, હમરે દરખાના હૈ બોમ્બે કે અંદર એક વોલન્ટિયર માં હૈ, તીન લડકી ઓર એક લડકા, 22 સાલ કા હા, યાને દાખલે દેતા હું એ ફરમાન કે સાથ મેં, ઇતની ખિદમત, ઇતની ખિદમત, ઇતની ખિદમત, મોલા કી દુઆ સે, ક્યા હુઆ, ખાલી મહેમાન હૈ ઘર મેં ઓર ચિકન ટિક્કા મંગાએ, સબને ખાયા, વો લડકા ભી ખાયા 22 સાલ કા, વો લડકા ખાયા, કિસકો કુછ નહીં હુઆ, वो लड़के को फूड पॉइजन हो गया, रात को उल्टी रुद्राक्षर हो गए, 3 बजे एम्बुलेंस बुलाए, रात को 3 बजे एम्बुलेंस में बिठा के अभी तो लेके जाते हैं तो रस्ते में दम दे दिया छोकरे ने. 3 लड़की और 1 लड़का. माँ सेवा करती है, सुबह को जमात खाने, चाय पकाना, ये अभी भी चालू है. जब दरगाह के अंदर, कब्रिस्तान के अंदर वो मैयत देखने का था ना, मुंह देखने का, तो भाई लोग आ गए उसकी माँ के पास, बेटा सबूरी रख जा, हाँ बेटा सबूरी रख जा. एक भाई बोलती है, बेटा तो जो ईमान जरा संभाली जा. तो क्या बोलती है पता है, हाँ क्या आंख में आंसू थे, क्या बोलती है, कुरुच आई ईमान, मुझे ईमान बराबर है, आई ईमान समझ जा कि अपने छोकरे वास्ते और हजरी माम साथ संबंध तोड़ी छे ना, मुझे इतना लेना देरी माइन देर साथ बोला जी जेरी मर्जी. ये कुवत कहां से आई बताओ, ये कुवत कहां से आई, जो जड़ जड़ी सत साजने सोरे रहे अपार. जो जड़ जड़ी दे सबल बंधा सत साजने सोरे रहे अपार, सांधो रेण है ने वस्तु वे सांधो मांगे सोरे रहे अपार. अरे सो जड़ कभी ना उखड़े, हर लाखों मीले लुहार. ए जड़ क्या रे टूटे नहीं, भले ने कितना हथोड़ा पड़े, लुहार ने खपे इतना हथोड़ा मारवा दियो नहीं, तो वो ताकत आती है. मोरा ने फरमाया कि तमारी अंदर एक एवी अजब शक्ति आवशे, एक एवी अजब कुवत आवशे कि तमे ए बधानो सामनो करी शकशो. कब, जो तमे नियमित इबादत करशो, नियमित दुआ पढ़शो, और जो कमजोरी रखे ना, और खुदा न खास्ता कोई वर्ल्डली इलनेस आ गई, फिजिकल इलनेस आ गई, आप तो इसलिए यानी बापा जी सेवा करियो ने इतना पैसा दिन की वर्णो न इनके अंदर एक खोटो आए तो अरुपा भाई कोई दुकान गोचे. सच सच इतने मौलाना सुल्तान उषा ने फरमाया कि खपते इतलू ईमान मजबूत हसे, खपते इतलू, पर जो थोड़ी घनी इबादत की कसरत नहीं हो, आस्ते 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 तमारु ईमान चालू जैसे એમાં કાંઈ શક નથી. ખુદા મુર્તઝાલી હાજરીમાં જુમરા જમાત કો સુખી સલામત ઓર આબાદ રખે. યા મૌલા હકીકતી સમજ દેના, યા મૌલા તેરે તરફ કી મોહબ્બત દેના, યા મૌલા નાફરમાની કે કામ સે બચાના, યા મૌલા જાહિર બાતુલ ગુનાહો કો માફ કરના, યા મૌલા જલ્દ કેનેડા વાપસ આકે તરે જાહિરી ઓર બંદગી મેં બાકી મેં દીદાર નસીબ કરના. જમાત કે આય જિંદા, સલવાત પઢો. એક ક્રિયાઝારી हम तम मिली गले एक पावरी भया दे पीर हसन शानी बेनती तमे सुनो मोरे साया पीरा हसन शानी विनती तमे सुनो मोरे साया शिनबी के साहिया टुक तुर मत जइयो जबा आवेगी वेदना तब तुम देखन आइयो शिनबी के साहिया. सलाम.
અને એ રિક્રિએશનની અંદર નવા 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 મિશનરીઓને મુલાકાત આપતા આવી એક મુલાકાતમાં મારા પરમાણે છે. દેખો તો મિશનરી જમાતો કે અંદર બાર બાર વાયસ કરને જયા કરો. પછી મારા પરમાણે છે કહેતી જમાતથી ભી જાઓ તો થોડી સંખ્યા કી જમાત હૈ વહાં ભી જાકે વાયસ સુનાયા કરો. પછી મારા પરમાણે છે કે એસે ગામ ભી જાઓ જહાં ગયે રૂહાની બચ્ચે કા એક ઘર હૈ, સિર્ફ એક ઘર હૈ, और दो चार रूहानी बच्चे हैं उस घर के अंदर, वो घर में भी जाके वायस सुना. अरे माशाल्लाह इंडिया के अंदर हमें आवा चांस मिले थे काठियावाड़ी अंदर क्या एवं गांव में जाइए छे પછી ચાર જણા હોય તેને સામે બેસાડી દઈએ ને અમે સામે બેસીને જે પણ એને કહેવાનું છે એ વાયસ કરવાની છે અમે કરીએ. તો સરકારે પરવાનું કે બાર બાર વાયસ કરો જવાબ કે અંદર થોડી તાકાત કી જો જવાબ હૈ ઉસને ભી વાયસ કરો. એક ફેમિલી હૈ ઉસકે અંદર ભી વાયસ કરો. માં પરવાર છે કે ક્યો હમ તુમકો ઇતના દબાણ કરતા હૈ શા માટે. તો માં પરવાર છે કે દેખો જબ ક્યામત કા દિન આવે ના તો કિસી ભી મેરે રૂહાને બચ્ચે કો અલ્લાહ કે પાસ કે બહાર રોક દે કે હમે ધર્મ કી કુછ માલુમાત નહીં. આજે તો આજે હું સમજો ડોલ મિલની અંદર છું, મોટી સંખ્યાની જવા છે અને હું પણ ડોલ મિલનો સભ્ય હોઉં ને મારા 100 વર્ષ પૂરા થાય તો હું એમ ના કહી શકું કે યા અલ્લાહ મેરે કો તો કુછ પતા નહીં થા કે દુઆ બરાબર પડની ચાહીએ થી, યા અલ્લાહ મેરે કો તો માલુમ નહીં થા કે બિલકુલ હજાર કી બરકી ઇતની જરૂરી થી, યા ખુદા મેરે કો યે પતા નહીં થા કે આમાર અચ્છે રખને ચાહીએ ઓર જો ચીજે તુને મરા કી હૈ ઉસ ચીજે મુજે દૂર રહેના ચાહીએ, યા ખુદા મુજે પતા નહીં થા. મેરે કોઈ ભી રૂહાની બચ્ચે કો ક્યામત કે દિન અલ્લાહ કે પાસ કે બહાના ના મિલે કે હમે મરદદ કી માલુમાત નહીં થી. એક વસ્તુ સ્પષ્ટ થાય છે આ ફરમાનની અંદર કે ઇમામે બે જણાને પકડ્યા છે, મિશનરીઓને ભી પકડ્યા અને જમાતને ભી પકડ્યા. એટલે મિશનરીઓમાં ભી ફરજ નાખી અને મિશનરી તો પોતાની ફરજ પૂરી કરે ને ચાલ્યા જશે, પછી જમાત બંધાઈ ગઈ લેન્ડર પછી જમાત બંધાય. ચાલો કદાચ કોઈ નહીં કહી કાલે ત્યાં વેચરા વાયજ હતી કપાળે કપાળે સુધી નથી ગુજરાતીમાં કહેવત છે ને કોઈ કઈ કરી લેતો તો સુલતાન ઓછા કે પરમાણે હોય તો દસ થી ને દસ આજે કરો.